हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये कॉन्करर लॉर्ड का गेम प्ले है। मेरा फ्रेंड कॉन्करर रैंक पुश कर रहा होता है और यहाँ पर हम एक पूरी स्क्वाड के ऊपर स्लैमें दे देते हैं। ये भी कॉन्करर रैंक पुश करने वाली स्क्वाड होती है। ये बहुत सही खेल रही होती है, आप बस देखते जाओ। शायद कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे इस बंदे पर डायरेक्टली स्कोप इन करके फिनिश कर दिया। तो गाइस मुझे इस बंदे का फुट आ रहा था, इसलिए मैंने खिड़की से पीक करके इसे मार दिया। तो अभी आप देखो अभी आगे की फाइट। यहाँ पर दूसरा बंदा जो है मेरा एक नॉक हो जाता है, तो वो चिल्ला रहा होता है भाई मुझ पे आ मुझ पे आ, बट मैं इसको कवर देने चला जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऊपर बंदा है। तो फाइनली हम इस स्क्वाड को तो ख़त्म कर देते हैं, बट यहाँ पे एक और स्क्वाड होती है जिसके साथ हमारी फाइट चल रही है। तो मेरा टीममेट बट उस भाई उसका चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा है। रुक जा तू इधर आ, मैं स्मोक करता हूँ। तो मैं इसे स्मोक करके बुला लेता हूँ। चलो नंबर 4 इसे रिवाइव कर देगा। रैंडम किसी काम तो आया, वरना आजकल के रैंडम्स तो कुछ भी नहीं कर पाते। खैर मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि भाई पहाड़ी के साइड भी बंदे आ गए हैं, सो उधर भी ध्यान रखना है। तो मैं इधर भर भर के स्मोक कर देता हूँ और इस बंदे की क्रेट के पास आके हल्की सी यूटिलिटीज़ उठा ही रहा होता हूँ कि उतने में से एक बंदा रिकॉल होकर आ जाता है और मेरे टीममेट को नॉक फिनिश भी कर देता है। अब मेरा टीममेट चिल्लाने लग जाता है कि यार नॉक फिनिश कर दिया मुझे। खैर ये बंदा रैंक पुश नहीं कर रहा था, हमारा जो 3 नंबर भाई है वो रैंक पुश कर रहा था। सो ये मरा है तो इसे कोई दुख नहीं है, तो कोई बात नहीं। अभी देखो रैंडम जो है, रैंडम ने फिर से मेरे टीममेट की जान बचा ली। क्या बात है भाई, आजकल तो अच्छे रैंडम्स आ रहे हैं। अब देखो आगे भी बंदे होते हैं, उस मशरूम हाउस में भी एक बंदा वहाँ से रोटेशन मार के आ जाता है। सो मेरा टीममेट मुझे बोल देता है कि देख भाई उधर से फायर आ रहा है। तो मेरे को वो बंदा भागता हुआ दिख जाता है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ उसकी टुई ऊपर कर देता हूँ। तो खैर अभी यहाँ पे सारे बंदे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, पीछे से बंदे आने वाले थे रोटेशन करते हुए। तो हमने भी सोचा कि हम पहले जोन में जा कर के वहाँ पे कवर ले लेते हैं, एक अच्छी जगह होल्ड कर लेते हैं। लेकिन ये बंदे जोन में जाते हुए पकड़े जाते हैं। गाइस ये वाला स्प्रे अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाल पकड़ के उतार दिए और क्या ऐसा तो कैजुअली कर लेते हैं हम सो अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर लेते हैं एंड फ्लेयर वगैरह यूज़ करके अब हम जोन में चले जाते हैं। सो यहाँ पे हमें बंदे स्पॉट हो जाते हैं, वो सामने वाले रिज पे होते हैं, बाकी के सारे प्लेयर्स यहीं होते हैं। सो मेरे टीममेट भी डायरेक्टली यहीं स्लैम दे देता है ताकि यहाँ से हम कुछ फ्रैग्स निकाल सकें। सो यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, पर ये देखो मैं कितनी बार एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ बट मैं एग्जिट नहीं हो पाता और मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। तो अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई आगे स्मोक कर ले और मुझे रिवाइव कर। सो मेरा टीममेट आगे स्मोक करके वो मुझे रिवाइव करने लग जाता है। एंड नंबर 4 जो हमारा प्लेयर होता है वो आगे वाले एनिमीज़ को थोड़ा रोक रहा होता है, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे एक बंदे को नॉक भी किया होता है तो वो लोग भी आपस में रिवाइव कर रहे होते हैं। अगर मैंने नॉक नहीं किया होता तो डेफिनेटली हमारे पर पुश आ जाता। पर ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बड़े प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप सामने वाली टीम के टीममेट्स को नॉक नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली आप पे ब्लाइंड रश कर देंगे। सो अगर आप नॉक होते हो तो आपको सामने वाली टीम के भी बंदों को नॉक करना पड़ेगा, जब भी आप रश को रोक सकते हो। रश को रोकने का एक यही तरीका है, वरना कोई तरीका नहीं है। सो मैं रिवाइव होने के बाद हील विल करके सामने वाले बंदों पे पुश कर देता हूँ। मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई तू रैंक पुश कर रहा है, आगे मत जा, अगर तुझे नॉक फिनिश कर दिया तो बेमतलब तेरा माइनस लग जाएगा। तो मैं आगे जाता हूँ तो मेरा टीममेट मुझे कहता है कि भाई एक काम कर, तू ना तलवार लेके आगे रश ही कर दे। तो मैं तलवार लेके रश कर देता हूँ, मेरा टीममेट मुझे पीछे कवर दे रहा होता है। यार ये तलवार बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं इसको भी किसी तरह फिनिश कर देता हूँ। देख बिल्कुल हेड हेड लग जाते हैं ग्रोजा के। सो अब लास्ट बंदा बस बच रहा होता है एंड मेरे टीममेट वो भी मुझे बता देता है कि यार वो कहीं पानी की तरफ ही है। तो मैं उसे कहता हूँ अगर तू किल ले सकता है तो ले ले, वरना मैं मार देता हूँ। तो वो उसके एंगल पर नहीं था बंदा, तो वो बंदा मेरे एंगल पर था, मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है एंड फाइनली मैं उसे एंड आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।